वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ मटी लिविंग। तो आज मेरे साथ प्यारी मीठी जिसका नाम शुभी भी है और हम लोग साथ में बनाने जा रहे हैं केक। कौन सा केक? चॉकलेट केक। हाँ, बनाना चॉकलेट केक बनाएंगे और ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हाँ। और पहली बार साथ में भी कुक करेंगे। हाँ। है ना? और ये एक YouTube वीडियो से हम लोग देखेंगे, पहले सर्च करेंगे कि हाँ कौन सी इजी है जिसको हम बना सकते हैं, फिर उसको देखते हुए हम बनाएंगे केक और देखेंगे वो कितना इजीली बन पाता है और कितने कम टाइम में बन पाता है। तो सब कुछ हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम आए हैं किचन में और अब हम बनाएंगे और ये है दूसरा फोन। हाँ। जिसमें से हम वीडियो देख के हाँ। बनाएंगे केक को। तो सर्च करते हैं क्या बनाना चॉकलेट केक। हाँ, सो बहुत सारी रेसिपीज हैं, तो अब हम कौन सा ट्राई करें? कौन सा मेरी कौन सा ट्राई कर रहे हैं? मीठी ने कहा हम लोग ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे, नो ओवन फूड्स की। चलिए अब बनाते हैं केक को। हाँ चलो। तो केक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। हाँ। क्योंकि ओवन यूज करो, कढ़ाई यूज करो, कुकर यूज करो, हमेशा वो प्री हीटेड होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले लेते हैं कढ़ाई। इसको रखेंगे गैस पे। ये है सॉल्ट। हाँ। और जो कि हम लोग पहले से बेकिंग के लिए यूज कर चुके हैं, तो ये कैसा हो गया है? ब्राउन ब्राउन थोड़ा सा। हाँ। इसको हम इसमें डालेंगे और इसके बाद ये जो जिस पे हम लोग बर्तन रखते हैं वो वाला स्टैंड इस पे रख देंगे। हाँ। ओके। और इसके बाद नीचे से गैस ऑन कर देंगे। हाँ, मीडियम हीट पे एंड कढ़ाई को ढक देंगे। और इसमें जो छेद है हाँ। उसको हम बंद कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल से। ये बंद हो गया। हाँ। बंद हो गया। अभी ये प्री हीट होगा, तब तक हम लोग मटेरियल को रेडी करते हैं। हाँ। मटेरियल को रेडी करेंगे। हाँ। ओके चलो उधर चलते हैं। मटेरियल हम लोग इधर रेडी करेंगे। इन्होंने 2 बनानास लिए हैं बट हमने 3 बनानास लिए थे क्योंकि हमारे यहाँ वाले बनानास काफ़ी छोटे छोटे थे एंड इन्होंने छील के उसको ब्लेंड कर लिया था बट हमारा वाला कुछ ज़्यादा ही पक गया था, तो हमने उसको छील के सीधा कांटे से ऐसे ही मैश कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। हाँ मैदा। दूध डालिएगा थोड़ा सा, पूरा मत डाल दीजिएगा, जितना दीदी डाल रही है। मेरा किचन में नेट नहीं चलता है तो वो नेट चल नहीं रहा था, सो हमने खुद से ही सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग टाइम पे डाल लिए और फिर हमने लिया एल्युमिनियम का ये बर्तन क्योंकि मेरे पास कोई केक मोल्ड नहीं है एंड एल्युमिनियम फॉइल लिया क्योंकि बटर पेपर नहीं है, तो उसको उस पर लगा दिया एंड उसमें बैटर डाल के थोड़ा सा हिला दिया ताकि वो जो एयर रहती है वो निकल जाए, रिलीज़ हो जाए और उसके बाद उसको रख दिया बेक होने के लिए। एंड इसको हम 30 मिनट्स के बाद चेक करेंगे फिर से। केक देखने में तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा फूल भी गया है, तो अब इसमें हम चाकू डाल के चेक करेंगे कि ये पूरा पका है कि नहीं। आप इसमें टूथपिक भी डाल सकते हो क्योंकि मेरा बर्तन की हाइट ज़्यादा है तो उसमें टूथपिक से काम नहीं हो पाएगा एंड 30 मिनट्स के बाद वो पका नहीं था तो मैंने उसको 1 घंटे के लिए पकाया और उसके बाद ठंडा करके उस पर हर्शीज सिरप डाला और थोड़ी सी डेरी मिल्क
एंड वो डेकोरेट हो गया एंड मीठी ने उसको फिर कट किया, फिर हम लोगों ने उसको खाया। चलो काटो काटो काटो। काफ़ी अच्छा केक बना था, काफ़ी डिलीशियस था। तो नो ओवन फूड्स की ये रेसिपी को आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें, मुझे पक्का यकीन है कि अच्छा तो बनेगा, खाने लायक तो रहेगा एटलीस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वो कितना इजीली बन पाता है, कितने और ये है दूसरा फोन। ओह शिट, इट्स नॉट विजिबल। गाइस देखा है मुझे दीदी को, देखा है ना मैं कितनी बराबर की हूँ।